Thane Arkam School, Orange Town Campus. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum students, how are you? Hope you all are fine. Class 3. Students, take out the workbook, page number 73. Yesterday I told you about letters, formal and informal letter, the difference between formal and informal. Maine bataya tha aap logon ko. तो आज हम एक खत लिखेंगे. ये इनफॉर्मल लेटर है. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर न्यू क्लास एंड क्लास टीचर. तो इनफॉर्मल लेटर में ज़रा हम तफसील से लिखते हैं, लेकिन यहाँ स्पेस इतना नहीं है और आपकी क्लास के मुताबिक मैंने शॉर्ट लिखा है. लेकिन स्टार्ट में हम लोग ग्रीटिंग्स वगैरह अच्छे से देते हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिए. स्टार्ट में एड्रेस लिखा है दारे अरकम स्कूल औरंगी टाउन. औरंगी टाउन के बाद कॉमा है, फिर कराची, कराची के बाद फुल स्टॉप दीजिए. फिर डेट, डेट इतना ज़रूरी नहीं है इनफॉर्मल लेटर में, लेकिन यहाँ हम वाजे कर रहे हैं क्योंकि इस दिन हमने काम किया है एज ए स्कूल, यानी कि सैम्पल के तौर पर. माई डियर फ्रेंड कॉमा अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू विल बी फाइन. आई एम ऑल्सो गुड. आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई न्यू क्लास एंड टीचर. एज यू नो दैट आई हैव बीन प्रमोटेड टू क्लास 3. माई क्लास इज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एंड टीचर इज टू पोलाइट. योर लवली फ्रेंड एक्स वाई जेड. मैंने एक्स वाई जेड लिखा है. आप अपना नाम भी लिख सकते हैं और अगर फ्रेंड का नाम लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, लेकिन माई डियर फ्रेंड ये ज़्यादा मुनासिब लगेगा. तो ये आपको एक ख़त लिखना था अपनी दोस्त को, अपने न्यू